सो हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज माय नेम दानिश खान और अब हम लोग हो गए रेडी और हो गए बिल्कुल तैयार। अब बाकी तुम्हारा भाई तो सुबह तो माशाल्लाह हैंडसम लग ही रहा है, सबने कहा घर पर आज अच्छा लग रहा है। रेडी हो? रेडी तैयार? तो इन हो गए तैयार और मैं भी हो गया तैयार, तुम्हारा भाई भी। चलते हैं वहाँ, वहाँ के बनाते हैं ब्लॉग, थोड़ा सा दिखाता हूँ हम लोगों को वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया। सो गाइस ये खड़े अपनी बाइक और कितनी धूल मिट्टी हो रही, इतनी गंदी संदी हो रही है यार, कुछ पता नहीं। इस पर भी मैं कपड़ा मारता हूँ आपको। सेल्फी सेल्फी खेल है हम लोग खड़े इधर और मैं दिखाता हूँ आपको। ये तुम्हारा भाई बना रहा है एक वीडियो इनके फोटो है ही नहीं क्योंकि तुम्हारे बच्चे नहीं खींचने देते, इनके फोटो बच्चे रोते रहते हैं। अब चलो नीचे चलो नीचे चलो नीचे गाड़ी पे चलो। ये अपने फोटो खींचने मस्त है और तुम्हारा भाई बना रहा अपना एक ब्लॉग। और यहाँ से अब लोग हम निकलने वाले हैं मुस्ताबाद के लिए, मुस्ताबाद यानी फुप्पो के लिए। आप फुप्पो के घर जाएंगे फिर वहाँ जाकर बनाता हूँ छोटा सा ब्लॉग। और रोड पे हम लोग यूँ नहीं बनाते क्योंकि गाड़ी चलाता हूँ मैं तो पीछे हिना बैठती है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है कैमरा पकड़ने में, इसी वजह से रोड का ब्लॉग नहीं बनाते, वो सिर्फ घर घर का बनाते हैं। तो अभी हम लोग गए थे छोटी वाली बहन के यहाँ, वहाँ से अब आए, अब हम आए बड़ी वाली अप्पी के यहाँ और शाम को छोटी वाली बहन घर आएगी। उसके बाद अभी इसी में से हम थोड़ा जल्दी से फुप्पो के यहाँ से फिर होकर आ जाएंगे क्योंकि छोटे वाले बहन या बहन यहाँ पर आएंगे तो हम लोग भी अपना वहाँ पे घूम जाते हैं थोड़ी बहुत देर। तो इससे बाजी को भी खुशी हो जाएगी, शीशे में देख रहे थे वो पीछे और वीडियो नहीं है, वीडियो अस्सलाम वालेकुम वाली वीडियो बना रही है लोग दोनों और हम बना रहे हैं अपना ब्लॉग। हेलो भाइयों, तो मैंने भी आप लोगों से बोला था कि मैं इमरान भाई के घर से निकल रहे हम लोग अपनी बहन के यहाँ से और जाने वाले मुस्ताबाद अपनी फुप्पो के घर। तो फाइनली हम लोग अपने फुप्पो के घर आ चुके हैं और पीछे चल रही है फोटोग्राफी। मेरी फुप्पो की बेटी है और मेरी बहन है और वो हिना है मेरी वाइफ है। ये हाई जो कर रही है मेरी बहन है, वो जो व्यू कर रही है वो मेरी वाइफ है, वो बाहर कह रही है। और ये लोग कर रहे हैं फोटोग्राफी, बहुत देर से नाटक चल रहा है लोगों का फोटो खींचने का। फोटो तो अच्छा आ रही नहीं, शक्ल अच्छी नहीं लोगी माशाल्लाह, तो तुम्हारे पास वैसे स्मार्ट लग रहा है। और बाकी यार इन्होंने ना पहले कुछ छोड़ रहे हैं दीवार पे, पहले कुछ और था, बाकी इन्होंने ये प्रिंट बनाया और अपने हाथ से अपना होम वर्किंग इनका इन्होंने घर में खुद काम करा है। मतलब इन दोनों ने नहीं, मेरे भाई ने, अद्दू ने, अदरान जो मेरा भाई है, अदरान ओ झूठा हाल कर रही है, नहीं अदरान वॉल पे लाया था, अदरान ने मेहनत करी है। और इस हाथ पे ये जो लगा हुआ है जितना भी है ये भी अद्दू ने अपने हाथ से खुद ही बनाया। तो इतने मेहनती होते हैं लड़के, अब इनकी तरफ है ना नहाए धोए खाए पिए। और यहाँ फुप्पो वाली 500 रुपए देखो ईद दे रही है ये और 500 रुपए कमाई ब्लॉग बनाने के ये भाई पप्पा एक ही तो पप्पा हमारी छोटी है, बड़ी पप्पा तो यही हमारी छोटी है, वो एक ही छोटी भी यही है बड़ी भी यही है क्योंकि हमारे दादा के तीन ही बच्चे थे, तीनों खतरनाक है हमारे वाले साहब, एक हमारे नाम में चाचा एक हमारी बाजी, तीनों ही बम है कभी फूट जाते तीन ही भैया इनसे बच के रहना चाहिए। इनका साथ ऐसा है कि जैसे शेर होते हैं जंगल में बैठे हुए तो प्यार से जाने दे अगर घुसा गए तो घुसा गए, तो इनका साथ ऐसा कभी गुस्सा कभी नरमी। तो ये भाई भुप्पा तो हम लोग आए मुस्ताबाद, अब थोड़ी बहुत देर में आने और बहुत से बंदे कहते मुस्ताबाद में कहा यार, तो जाके मास्टर जी है ना, मास्टर जी के बैक साइड वाली गली में इनका घर है ना, मास्टर जी वो भूरा सेवेंजर्स नाम की टीम बनी हुई है उस पर यूट्यूब चैनल पे, जो मास्टर जी करते हैं उन लोगों को ज्यादा नाम तो मास्टर जी के नाम से फेमस है बंदा। तो इनकी गली के पीछे ही वो लोग रहते हैं सारे, अभी हम लोग गए थे उन लोगों से मिलने लेकिन वो थे नहीं, इसी जगह घूमने घामने गए होंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ और थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। बाकी 500 रुपए तुमने कहा कि नहीं है, वो 500 रुपए की वो नहीं हो गई, 200 का तेल डलेगा, 300 रुपए 500 रुपए खर्चे खड़े खड़े बता दिया, 200 रुपए गाड़ी का तेल 300 रुपए खर्चे गए, 1 रुपए नहीं दूंगा, पीछे हंस जाए कितना भी आ रहे आ रहे। तो इनके हिस्से का तो गाड़ी में तेल डल गया, मेरे हिस्से के बचे वो मेरे रहेंगे, है
भाई गाड़ी में टेम्पो का किराया बचाया। तो भाई ये मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें पप्पू का पूरा घर अभी। तो भाई ये साइड की दीवार इनकी और ये लगा रखे थे गुलदस्ते वगैरह, चार्जर लगाने का ये इनकी है, पर्दों का मैच दीवार के हिसाब से। और बाजी के नहीं है पीछे मत जियो किचन में पीछे। है ना हिना की देख काली लग रही है, सारी क्रीम उतर गई तुम्हारी, हिना की सारी क्रीम उतर गई। बाजी ने तो आज मेकअप करे ही नहीं है, मैंने बाजी को सुबह मैंने वीडियो कॉलिंग पे कहते थे मेरे बाजी ने मेकअप नहीं करा। यू नो बाजी जो कह रहा हूँ मैं अपनी फुप्पो से कह रहा हूँ, हम लोग अपनी फुप्पो से बाजी कहते हैं, फुप्पो कहते हैं मैं थोड़ा अजीब सा लगता है, जैसे कोई अजीब सा अगर फुप्पो तो हम लोग बाजी कहते हैं शुरू से। तो ये बाजी का कपड़ा ठंडा करने वाली फ्रिज इतनी बड़ी है कि एसी की जरूरत ही नहीं है, देखो उस पर लगा पेड़, ये अपनी एलईडी लगी, बाकी दीवार और ये लगा चार्जर। और ये देखो मैंने इन सब मन कर था, मन करने के बाद भी खाना फिर लिया, पता नहीं क्या क्या लग रहा है, नारी है और नारी मटर पनीर रोटी मन करने के बाद भी। और अभी नाश्ता करा लोगों ने भी दस्तखान बढ़ाया नहीं है, ये लगा दस्तखान खा खू के बैठे फिर दोबारा खाने के लिए लिया है। और ये आंगन हमारा बाजी का, ये ऊपर की छत का रास्ता है, बाकी ये सामने का कमरा है। तो भाई यहाँ पे फूफा जी ये मैंने कहा इनसे घर जा रहा हूँ, तो इन्होंने कहा रुक दो मिनट में अभी आ रहा हूँ नीचे से। अभी नारी शाह पनीर रोटी लिया है और अभी हम लोगों ने नाश्ता कराया, नाश्ते का सबूत ये है कि अभी दस्तखान उठा नहीं था, उससे पहले इन्होंने खाने का फिर जुगाड़ बना दिया। अब इतना सा पेट है कभी अभी स्ट्रिंग पिला के छोड़ी इन्होंने, उससे पहले फ्रूटी पिलाई की मैं पी माँ पता नहीं क्या 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 चीज़ें खिलाते हैं लोग, ये समझ में नहीं आता इतनी सारी चीज़ें खिलाते हैं। अभी भागे भागे फिर जाके कुछ लिया खाने पीने के लिए। तो भाई चलते हैं यहाँ से थोड़ा बहुत देर में खाना करके निकलते हैं, फिर हम लोग घर और घर जाके बताते हैं हम लोग कितनी देर में घर पहुँचे जब तक कि। तो भाई ये फूफा जी का घर, मतलब फूफा का घर हमारी फूफा जी का आगे फूफा जी का फूफा का बात कही है। तो ये फूफो का घर हमारी और यहाँ पे हम खड़े हुए हैं और ऊपर से पूरे मुस्ताबाद की एक गली सजाई गई है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ लग रहा है बहुत तगड़ा जाम, और जाम में खड़े खड़े मैंने सोचा कुछ काम करना चाहिए हमको, तो जाम में खड़े खड़े मैंने काम करा, मेरे को याद आया मेरे को कुछ खाली खड़े होने बैठे कुछ काम ही कर ले। तो काम करते टाइम मेरे को लगा कि मेरे को कुछ करना चाहिए, तो उस करने टाइम पे मेरे को लगा कि एक आइसक्रीम वाला लगा था, हम लोगों ने वहाँ से ली आइसक्रीम और आइसक्रीम लेने के बाद में हमने ली कुल्फी, और कुल्फी लेने के बाद तो कुल्फी ली, कुल्फी खाते खाते हमें बोर हो, लेकिन जाम अभी तक खत्म नहीं हुआ, अब भी जाम बहुत तगड़ा लग रहा है और बेहतरीन वाला जाम लगा, थोड़ा मोटा भी बहुत बेहतरीन वाला, बहुत तगड़ा जाम इसको कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ पीछे का हिस्सा, मेरे पीछे जाम लगा भाई वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है,